नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शेफाली दिनेश जैन और मेरे साथ हैं डॉक्टर दिनेश जैन, एशियन इंस्टीट्यूट डॉक्टर शेफाली जैन टेस्ट टू बेबी सेंटर इंदौर से। आज हम आपको जानकारी देना चाहेंगे अपने सेंटर यानी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट इंदौर का, जो कहाँ पर स्थित है डॉक्टर दिनेश? ये इंदौर में बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, एयरपोर्ट से बहुत पास है, बस स्टैंड से बहुत पास है, रेलवे स्टेशन से, क्योंकि जो हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं उनको बार बार आना पड़ता है, उसके लिए उसकी कन्वीनियंस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके आसपास ठहरने की बहुत सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं। हाँ जी, और मुझे पक्का मालूम है कि आप ये भी जानकारी देना चाहेंगे सबको कि कई लोग दिखाने भी आते हैं और आसपास की जगह घूमने भी आते हैं। कई लोग महाकाल के दर्शन कर लेते हैं, कई ओंकारेश्वर के दर्शन कर लेते हैं, कई आसपास मांडू महेश्वर सब जगह घूम भी आते हैं। तो ये बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, तो इसलिए ये बहुत कन्वीनियंट होता है। इसके अलावा ये हमारे सेंट्रल इंडिया में ये सबसे बड़ा सेंटर है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 25 सालों से ये सेंटर केवल संतान विहीन दंपतियों की सर्विस के लिए उपलब्ध है, यानी इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं वो हमारे पास इलाज के लिए आते हैं और हम बड़े अच्छे से उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं, और जब वो खुश होके जाते हैं तो हमारा दिल भी प्रसन्न हो जाता है। बराबर, तो मैं यही बोलना चाहूँगी। हाँ, आपका कहना ये है कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं उन्हीं मरीजों का यहाँ पे इलाज होता है। बिल्कुल। और कुछ खासियत बताना चाहेंगे आप? मैं यही बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा सेंटर है, ये जैसे आपको बताया गया कि केवल उन लोगों के लिए है जिनको बच्चे नहीं होते हैं। हम लोग और कोई काम नहीं करते हैं सिवाय इसके, जिनको बच्चे की ज़रूरत है वो ही हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि सारी सुविधाएँ, जितनी भी अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं, वो केवल एक छत के नीचे उपलब्ध हैं उनके लिए, यानी उनको हर काम के लिए अलग अलग नहीं जाना पड़ता। मान लीजिए सोनोग्राफी के लिए कहीं जाना पड़े, लैप्रोस्कोपी के लिए कहीं जाना पड़े, दिखाने कहीं जाना पड़े, ब्लड टेस्ट करना कहीं जाना पड़े, बल्कि वो एक बार यहाँ आ जाते हैं तो उनका सारा काम करने की कोशिश करते हैं जब तक बच्चा ना मिल जाए। बिल्कुल। और साथ ही साथ जब वो यहाँ आते हैं तो वो एक अच्छे स्वच्छ वातावरण में, एक पारिवारिक माहौल में पूरा इलाज करवाते हैं और वो हमारे एक परिवार का अंग हो जाते हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली हम उनको मानते हैं। वो हमारे पेशेंट नहीं बल्कि हमारे परिवार का एक सदस्य होते हैं, और जब तक उनका काम नहीं होता है तो हमारी पूरी टीम जो एम की है वो उस काम में लगी रहती है, जुटी रहती है कि उनको हम बच्चा कैसे दें। इसके अलावा जब भी कोई पेशेंट पहली बार दिखाने आता है तो उसके लिए हम एक गाइडेड टूर भी देते हैं। अच्छा। हाँ, कभी भी पेशेंट आता है तो हम, क्योंकि ये हॉस्पिटल 5 फ्लोर का है तो पूरा टॉप टू बॉटम उनको सारी सुविधाएं बताई जाती हैं, किस फ्लोर पे क्या सुविधा है, डायटिशियन कहाँ पे है, जो काउंसलर कहाँ पे है, बाकी दूसरी सुविधाएं कहाँ पे हैं। इसके अलावा हम अपना लैब प्लस ऑपरेशन थिएटर सारी चीज़ें दिखाते हैं। उसके साथ में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप चाहें तो इसकी वीडियोग्राफी करके इवन आप नेट पे देख सकते हैं कि जो मशीन्स है यहाँ पे, ये जो सेटअप है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक आम आदमी को कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई भी सेंटर पे वो जा रहा है तो वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, तो ये जानने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी को ये चीज़ लेना चाहिए, ना केवल पता करने के लिए पर एक तरह से कंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी कपल आया है वो कंफर्टेबल रहे यहाँ पर और उसका जो विश्वास है वो और बढ़े, और उसका जो उसको लगे कि भाई डॉक्टर क्या क्या प्रयत्न कर रहा है उसके केस में, ये सारी चीज़ें उसको मालूम रहे। गाइडेड टूर से एक और फायदा रहता है पेशेंट के लिए, उससे उसको आइडिया लगता है कि ये सेंटर किस लेवल का है, इसके क्या स्टैंडर्ड हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद में। तो अगर हम अपने सेंटर की बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगी बड़े गर्व से कि हमारा सेंटर एफिलिएटेड है जेंक बेल्जियम से, और ये कोई भी सेंटर पे अगर आप जाते हैं तो ये देखिए कि उस सेंटर की क्या मान्यता है,
यानी 15 साल से हमारा सेंटर ISO सर्टिफाइड है और ICMR रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब मान्यता प्राप्त है, और इसके अलावा NABH का भी जो प्रोसेस चल रहा है वो तो फाइनल मुझे भी स्टेज लगता है कि फाइनल स्टेज पे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें किसी भी मरीज को देखना बहुत आवश्यक है और इन सब चीज़ों से उस सेंटर का एक स्टैंडर्ड मालूम पड़ता है और ये पता पड़ता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारा लैब है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लैब इन इंडिया, वर्ल्ड क्लास लैब है, क्योंकि जो भ्रूण का निर्माण होता है वो लैब के अंदर होता है, उसमें जरा भी कमी रह जाए तो अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। हमारे लैब में कम से कम 50 लाख से ऊपर के तो सिर्फ वर्किंग स्टेशन है, छह वर्ल्ड के बेस्ट इंक्यूबेटर्स हैं। इसके इंक्यूबेटर्स का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो जहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है और एक माँ के पेट जैसा वातावरण बाहर दिया जाता है, उस चीज़ को मुझे लगता है कि आप इंक्यूबेटर बोलते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। हमारे पास चार एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, चार एम्ब्रियोलॉजिस्ट मिल के जो काम करते हैं उससे क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्रूव भी होता है, फास्ट भी होता है, इसमें टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। जितना क्विक होगा, आप बाहर एक्सपोज कम करेंगे तो उतना जल्दी, अगर आप उस एटमोसफेयर में रखेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। सारी लेटेस्ट प्रोसीजर होती है, PGD होता है, बायोप्सी होता है, MC होता है, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर रूटीन का होता है, एवरीथिंग इज अंडर क्वालिटी कंट्रोल। जो भी यूरोपियन स्टैंडर्ड का क्वालिटी कंट्रोल है उसका हम पूरा फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि डॉक्टर दिनेश हमेशा लैब के अंदर रहते हैं और वो लैब के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो टीम है वो उसमें करीब करीब 56 लोग हैं जो केवल इस चीज़ के लिए काम करते हैं जिनको संतान विहीनता या ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, उसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड टीम है हमारे पास। जब पेशेंट आता है तो हम सब चीज़ें पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे बहुत सारे जगह सेंटर नहीं होते, हम एक जगह फोकस होके काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो केवल एक जगह फोकस अगर रहे तो आप क्वालिटी दे पाते हैं। और ये जो वर्क रहता है इंडिविजुअल स्किल का है, मान लीजिए तेंदुलकर है तो उसकी स्किल उसके साथ ही रहेगी, तेंदुलकर 6 जगह नहीं खेल सकता है, 6 जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकता है। हाँ, तो ये आपका कहना है कि पर्सनल वो रहता है, इंडिविजुअल स्किल और इंडिविजुअल स्किल रहती है। और इसके अलावा सेंटर में 6 सोनोग्राफी मशीन है जिससे बहुत एफिशिएंटली और बहुत क्वालिटी का वर्क होता है। और साथ ही साथ हमारी टीम के अलावा एक ऐसी टीम का भी निर्माण किया गया है जिसमें कि लोगों को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, जैसे उनको रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है तो एक काउंसलर होता है, उनको वेट उनका ऑप्टिमम हो या बराबर हो उसके लिए एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, कुछ एक्सरसाइज वाले डॉक्टर होते हैं जो आपको तनाव मुक्त रखने की कोशिश करते हैं, फिट रखने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी एक टीम होती है जिनसे पेशेंट का मुहैया कराया जाता है और उसके द्वारा भी उनको काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ों की भी देख रेख हो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स कहीं के कहीं बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस होती है उसमें जो अंडे बनाने के इंजेक्शन होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, एक पेशेंट को 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कंपनी से टाई अप करके डायरेक्ट सप्लाई करा के 30%, 35%, 40% तक हम उनको डिस्काउंट दिला के पेशेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट दिलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि अक्सर डॉक्टर दिनेश मुझे लगता है पेशेंट बहुत डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं टेस्ट में भी कराना तो है और ये बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ पे बहुत खर्चा होगा, तो हमारे यहाँ खर्चा बहुत कम होता है और जो भी पैकेजेस या जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बहुत सब चीज़ों को ध्यान रख के दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े से बड़े लोग देश विदेश और आसपास के कई कोने से आते हैं,
प्लस ऐसे भी लोग आते हैं जो बेचारे बहुत मेहनत से, बहुत गरीब लोग भी आते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं या कुछ भी खर्चा, तो सारी चीज़ें उनको देख के ही तय किया जाता है कि भाई ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो जो उनके लिए बहुत महंगा हो, बहुत बर्डन हो, और बेस्ट इलाज विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बराबर। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं सेंटर के अलावा, तो हम आपको हमारा फ़ोन नंबर ये डिस्प्ले होगा, आप उससे फ़ोन लगा के जान सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सर्विसेज की, जिसमें हमने बताया कि पर्सनलाइज्ड केयर मतलब हर चीज़ यहाँ पे जो भी करी जाती है, वो भले ही सोनोग्राफी हो या पिकअप हो या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो या लैप्रोस्कोपी हो, हिस्ट्रोस्कोपी हो, यहाँ पे और कोई कंसल्टेंट आके नहीं करता है, बल्कि हम लोग खुद करना चाहते हैं, जिससे कि हम एक अच्छे हम खुद करते हैं जिससे कि एक अच्छे ट्रीटमेंट की ओर हम अग्रसर होते हैं और हमें ट्रीटमेंट में पेशेंट के बारे में सारी जानकारियाँ होती हैं। तो और बहुत खुशी की बात होती है जब हर दिन हमारे को एक खुशखबरी मिलती है जिसमें दो या तीन बच्चों का जन्म रोज होता है, डेली होता है, दो या तीन बच्चों का जन्म हमारे टेस्ट टू बेबी पर डे हाँ। दो या तीन टेस्ट टू बेबी पर डे होते हैं महीने में, 70, 80, 90, 100 उससे भी ज्यादा गिनती हो जाती कभी जी हाँ। तो बहुत खुशी की बात लगती है कि जब ये सब चीजों की खबरें आती हैं तो बहुत मन खुश हो जाता है और आपका काम सक्सेसफुल होता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। और कुछ चीज़ें आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या जो सुन रहे हैं? तो इसके अलावा उनको कोई भी जानकारी चाहिए हमारे नंबर पर कॉल करके हम उनको दे सकते हैं, पर मुझे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं उसके बारे में भी आपको संक्षिप्त में हम बता सकते हैं। जैसे छोटे से छोटा इलाज जिसको हम लोग IUI कहा जाता है, और इसके बाद IVF, ICSI, एग डोनेशन, सरोगेसी, एम्ब्रियो डोनेशन, आजकल बहुत सारे लोग ओसाइट फ्रीजिंग यानी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन यानी उन लोगों के एग फ्रीज कर लिए जाते हैं जो अभी मां नहीं बनना चाहते हैं या कभी कैंसर के शिकार होते हैं और अभी उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है या उनके लिए पॉसिबल नहीं है मेडिकल कंडीशन से जो कि खुद अभी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, तो वो अपनी प्रेगनेंसी सुरक्षित कर सकते हैं जो आगे जाके वो कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। करियर ओरिएंटेड वुमेन में जिनको डेफिनेटली। और इसके बाद मुझे लगता है कि आप लैब में कई सारे प्रोसीजर्स करते हैं, एम्ब्रियो बायोप्सी और ब्लास्टोसिस्ट और लेज़र, उनकी भी जानकारी मुझे लगता है कि आप देना चाहेंगे। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि छोटे से छोटा इलाज से लेके मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट यहाँ पे उपलब्ध हैं, और मैं समझती हूँ कि हम अपने बंदे कोशिश बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारा यही एक सपना होता है कि आपका सपना हम पूरा कर सकें और आपके जीवन में जो भी कमी है उसको हम उसकी हम पूर्ति कर सकें। धन्यवाद।